अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं जी खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मुबीन अली एंड आई एम फ्रॉम टाइटेनियम एजेंसी एंड होम्स। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि टाइटेनियम एजेंसी एंड होम्स एक मेगा प्लेटफॉर्म है जहां पर डेली बेसिस पे आपको सोसाइटी से रिलेटेड या जो भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उसके हवाले से आप लोगों के साथ डिटेल्स जो है वो शेयर की जाती हैं। और आज भी मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के हवाले से बात करने जा रहा हूँ जो कि इंतहाई प्राइम लोकेशन के ऊपर लोकेट करता है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ अलकबीर ऑर्चर्ड के हवाले से। अलकबीर ऑर्चर्ड के हवाले से इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ वीडियोस बना के जो है वो शेयर कर चुका हूँ। उसमें उसकी लोकेशन, उसके डेवलपर और उसके सराउंडिंग के जो प्रोजेक्ट हैं उसके हवाले से बड़ा ही ब्रीफली जो है मैं आपको जो है वो अपडेट कर चुका हूँ। रिसेंटली इस प्रोजेक्ट के अंदर एक नई अपडेट हुई है, सोचा कि वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं आपको अलकबीर ऑर्चर्ड की लोकेशन के हवाले से अपडेट करता चलूँ तो लाहौर की बड़ी ही प्राइम लोकेशन के ऊपर ये प्रोजेक्ट जो है वो लोकेट करता है। मेन जीटी रोड कालाशाह काकू के ऊपर ये प्रोजेक्ट जो है वो वाकया है। जैसे ही आप शाहदरा से टूवर्ड कुजरावाला की तरफ ट्रैवल करते हैं तो कालाशाह काकू टूल प्लाजा जैसे ही आप क्रॉस करते हैं हार्डली एक मिनट के ड्राइव पर आपको जो है अलकबीर ऑर्चर्ड मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर आप M11 मोटरवे और M2 मोटरवे और रिंग रोड से अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो कालाशाह काकू इंटरचेंज जैसे ही आप एग्जिट करते हैं तो एग्जिट करते साथ ही एक मिनट की ड्राइव पर आप अलकबीर ऑर्चर्ड को जो है वो इजीली अप्रोच करते हैं। अलकबीर ऑर्चर्ड की अगर मैं आपको थोड़ा सा अप्रूवल के हवाले से अपडेट करता चलूं तो टोटल TMA से ये प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव्ड है। और इसके डेवलपर्स के हवाले से भी आपको अपडेट करता चलूं तो बड़ा ही शानदार और स्ट्रॉन्ग डेवलपर जो है वो इसका डेवलपर है, अलकबीर डेवलपर का ये प्रोजेक्ट है। अलकबीर डेवलपर की अगर मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस हिस्ट्री के हवाले से अपडेट करता चलूँ तो इससे पहले 6 से 7 फेसिस बना के बड़ी ही कामयाबी के साथ जो है वो रावन रोड के ऊपर डेवलप कर चुके हैं। अलकबीर फेज़ 1 जो कि 2016 में इन्होंने लॉन्च किया वो भी फुली डेवलप हो चुका है। अलकबीर फेज़ 2 जो कि 2017 में इन्होंने लॉन्च किया वो भी फुली डेवलप हो चुका है। इसके साथ साथ किंगस्टोन, मरियम टाउन, किंगस्टोन फेज़ 2 जैसे प्रोजेक्ट जो है इनके मशहूर प्रोजेक्ट हैं, टोटल ही रावन रोड के ऊपर ये लोकेट करते हैं। रिसेंटली उन्होंने अपना जो प्रोजेक्ट है अलकबीर ऑर्चर्ड कालाशाह काकू के ऊपर जो है वो लॉन्च किया था। लॉन्च करते साथ ही इस प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा जो है वो हाइप क्रिएट हो गई थी। बहुत सारे इन्वेस्टर हजरात ने इस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी बुकिंग करवा के अपना एक शॉर्ट टाइम के अंदर अच्छा जो है इसके अंदर प्रॉफिट अवेल किया है। ना सिर्फ प्रॉफिट अवेल किया है बल्कि अपने घर के ख्वाब को भी जो है वो पूरा किया है। अगर मैं अलकबीर ऑर्चर्ड की थोड़ा सा सराउंडिंग के प्रोजेक्ट के हवाले से अपडेट करता चलूं तो इसकी सराउंडिंग में आपको लाहौर स्मार्ट सिटी जैसा बड़ा प्रोजेक्ट, इसके साथ साथ अर्बन सिटी, ऐसे गार्डन, इकबाल गार्डन जैसे मशहूर प्रोजेक्ट जो है वो आपको इसकी सराउंडिंग में मिल जाते हैं। और जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी है वो इस टाइम कालाशाह काकू पे जो है वो बनने जा रही है। अलकबीर ऑर्चर्ड के अंदर आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसके हवाले से अगर मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करता चलूँ तो अलकबीर ऑर्चर्ड ने बड़ा ही फ्रेंडली मुनासिब जो है वो पेमेंट प्लान मार्केट के अंदर लॉन्च किया है। जैसा कि मैं आपको लाहौर स्मार्ट सिटी की ही मिसाल देता चलूँ तो लाहौर स्मार्ट सिटी में आपको इस टाइम 3.5 मरला का प्लॉट जो है वो 18 लाख की प्राइस के ऊपर जो है वो फ्राहम किया जा रहा है, प्लस उसके ऊपर आपको जो है वो ऑन पे करना होता है। अलकबीर ऑर्चर्ड आपको 3 मरला का जो प्लॉट है वो 12,75,000 की एक मुनासिब पेमेंट प्लान के ऊपर जो है वो 3.5 साल के मुनासिब पेमेंट प्लान के ऊपर जो है वो फ्राहम कर रहा है। और बड़ी ही प्राइम लोकेशन है जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी सराउंडिंग में आपको बड़े ही मशहूर प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। लास्ट टाइम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई थी कि जो मेट्रो का बस स्टेशन है शाहदरा वाला उसको एक्सटेंड करके कालाशाह काकू तक जो है वो बढ़ा दिया गया है। उसके ऊपर जो वर्किंग है वो 24/7 की जा रही है। उसकी जो डेवलपमेंट है वो इमामिया कॉलोनी तक कंप्लीट हो गई है। जैसे ही मेट्रो कंप्लीट होती है तो कालाशाह काकू की सराउंडिंग में जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर बहुत ही अच्छा जो है वो ROI और प्रॉफिट जो है जिन लोगों ने उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होगा वो अवेल कर सकते हैं। अलकबीर ऑर्चर्ड की अगर मैं आपको थोड़ा सा फैसिलिटीज़ और अम्यूनिटीज़ के हवाले से अपडेट करता चलूँ तो यहाँ पर आपको टोटल गेटेड कम्युनिटी फ्राहम की जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड है, सीवरेज का निज़ाम जो है वो आपको अंडरग्राउंड दिया जा रहा है। सिक्योरिटी जो है वो आपको यहाँ पर 24/7 जो है वो फ्राहम की जा रही है। कमर्शियल यहाँ पर इसका ऑपरेशनल है। काफ़ी सारे घर जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो बन चुके हैं। कुशादा पार्क, इसके साथ स्कूल जैसी भी जो सहूलियात हैं और जॉगिंग ट्रैक जैसी सहूलियात जो है वो आपको अलकबीर ऑर्चर्ड के अंदर जो है वो फ्राहम की जा रही हैं। अलकबीर ऑर्चर्ड ने लास्ट टाइम जो अपने ब्लॉक लॉन्च किए थे सेक्टर ए ब्लॉक था, उसकी बड़ी कामयाब क्लोजिंग के बाद उन्होंने अपना ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक जो है वो लॉन्च किया है। ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक जो है उसकी भी बड़ी ही कामयाब क्लोजिंग के बाद रिसेंटली अलकबीर ऑर्चर्ड ने अपना जो है वो दी ओएसिज़ ब्लॉक के नाम से अपना नया ब्लॉक जो है वो लॉन्च किया है। दी ओएसिज़ ब्लॉक की अगर मैं आपको थोड़ा सा कटिंग के हवाले से अपडेट करता चलूं तो यहाँ पर आपको 3 मरला और 5 मरला की जो कटिंग है वो 3.5 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर फ्राहम की जा रही है। इसके साथ साथ आपको 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग जो है वो भी दी ओएसिज़ ब्लॉक के अंदर देखने को मिलती है, जिसका पेमेंट प्लान जो है वो टोटल 3 साल का पेमेंट प्लान है। दी ओएसिज़ ब्लॉक की अगर मैं आपको थोड़ा सा पेमेंट प्लान के हवाले से अपडेट करता चलूँ तो इसके 3 मरला प्लॉट की जो टोटल प्राइस है 12,75,000 उसकी टोटल प्राइस है। सिर्फ और सिर्फ 2 लाख डाउन पेमेंट देकर आप अपने प्लॉट की बुकिंग जो है वो प्रोसीड करवा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं
आपको 5 मरला के प्राइस के हवाले से अपडेट करता चलूं तो 5 मरला की जो टोटल प्राइस है 19.5 लाख रुपए उसकी टोटल प्राइस है। सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर आप अपने प्लॉट की बुकिंग प्रोसीड करवा सकते हैं और एक शॉर्ट टाइम के अंदर अच्छा आरओआई जो है वो जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अलकबीर ऑर्चर्ड एक प्राइम लोकेशन के ऊपर लोकेट करता है, टोटल टीएमए से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। इसकी सराउंडिंग के अंदर आपको बहुत ही बड़े जो है वो डेवलपर जो है वो काम करते हुए नजर आते हैं और एक शॉर्ट टाइम के अंदर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने घर के ख्वाब को भी जो है वो ना सिर्फ पूरा कर सकते हैं बल्कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छा जो है वो आरओआई जनरेट कर सकते हैं। अलकबीर ऑर्चर्ड के दी ओएसिस ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से अब मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर 03011136769 पर कॉल करके आप अपने प्लॉट की बुकिंग जो है वो जो है प्रोसीड करवा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो ओवरसीज क्लाइंट हैं वो भी सेम नंबर पर मुझसे व्हाट्सअप और ईमो पर कॉन्टैक्ट करके अपने प्लॉट की बुकिंग करवा सकते हैं और अलकबीर ऑर्चर्ड के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी कंसर्न है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके उसके हवाले से भी जान सकते हैं। सो अलकबीर ऑर्चर्ड के हवाले से मेरी नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।